का नशाखोरी शराब नोशी ओलेट टकलू ऑनलाइन ठगी कंप्यूटर के जरिए किसी के फोटो एडिट करके उसे ब्लैकमेल करना, मोबाइल पर बहन बेटियों के फोटो डालना, गंदे गंदे गाने डालना आम बात हो गई है, जिससे कौम की जहालत बर्बादी जाहिर हो रही है। इन बातों पर पूरी तरह से पाबंदी लगानी है। बताओ लगाएंगे इंशाल्लाह लगाएंगे ताकि कौम इलाका बचा सके, इंशाल्लाह बताएंगे। दूसरे नंबर पर शादियों में नाच गाना डीजे वगैरह नशा करना और किसी भी तरह की जहालत करने पर पूरी तरह से हम सब मिलकर पाबंदी लगाएंगे लगाएंगे भाई इंशाल्लाह सब राजी हो। नंबर भाई आइए बात जुड़वा दी, शादियों में नाच गाना डीजे नशा करना किसी भी तरह की जहालत करना और चुनाव वगैरह डीजे वगैरह किसी तरह बजाना चाहे रैली हो चाहे सरपंच का चुनाव कोई हो। भाई हाँ बताओ भाई कोई किसी किस्म का नहीं बदन देंगे इंशाल्लाह। निकाह कैसे करेंगे जो शरीयत के मुताबिक है, खून और दूध के जो रिश्ते मुहर्रमात है उन्हें बचाकर हम हर जगह निकाह करने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम समाज और बिरादरी का ख्याल रखते हुए इस्लाम का ख्याल रखते हुए शादी करवाना करना पर हम सब मिलकर अमल करेंगे इंशाल्लाह मुस्लिम रीति रिवाज से इंशाल्लाह। भाई तैयार होने से निकाह के वक्त मेहर के दिखाने पर पाबंदी और मेहर में एतदाद मतलब मेहर कम से कम मांगेंगे और निकाह पर कोई मेहर ना दिखाई जाएगा। बताओ भाई निकाह पर मेहर कम से कम मांगेंगे और दिखावा नहीं करेंगे। नंबर पांच शादियों में जहेज को दिखाने पर मांडा वगैरह और जैसे दूसरी सुन्नत के खिलाफ तरीके हैं उन सबको खत्म करेंगे। सुन्नत तरीका वलीमा करना है वलीमा करेंगे भाई इंशाल्लाह। मांडा बंद शादी में बारात बंद वलीमा करेंगे। आतिशबाजी धूल गोला जूता छुपाई बारात के नाम के जितनी चीज है वो सब खत्म होंगी। 31 मेहमान से ज्यादा मेहमान नहीं होंगे इंशाल्लाह। 31 मेहमान से कम तो हो 11 हो 21 हो लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। कम में तो आओ ऊपर मत बढ़ो इंशाल्लाह। अच्छा नंबर छह इलाका मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये है इंसानियत। इस्लाम से के अलावा इंसान से इंसानियत के लिए भाईचारे के लिए जाना जाता है मेवात का इलाका। सदियों पुराना इस भाईचारे को और मजबूत करेंगे इंशाल्लाह करेंगे भाई मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। बताओ भाई आपस में भाईचारा कायम करेंगे संबंध अच्छे बनाकर हमें आएंगे रखेंगे। नंबर सात मेवात के तमाम कब्रस्तान को महफूज करेंगे। वक्फ बोर्ड की जायदादें दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं महफूज करना का मतलब खाली नहीं झाड़ू लगाई जाएंगे सफाई करेंगे तो सबको महफूज करेंगे। जो नाजायज कब्जे हैं उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे। वक्फ बोर्ड की तमाम जायदादों को महफूज रखने की कोशिश करेंगे मिलजुल कर पूरी वक्फ जायदाद है कब्रस्तान नाजायज कब्जे जो है वो हटाए जाए इस्लाम के तरीके पर उनका इस्तेमाल हो जाएगा जी। भाई जो खाली करने की बात हो रही है कब्रस्तान महफूज करना महफूज कभी होंगे तो हम नाजायज कब्जे हटाएंगे उस वजह सारे नहीं कब्रस्तान में कहना कि सारे वक्फ बोर्ड की जायदाद सारी नाजायज कब्जा। नंबर आठ वकील साहब ने रखवाई भाई झूठे मुकदमे भाई बात आएगी झूठे मुकदमे नहीं बनवाएंगे या झूठे मुकदमे की वकालत नहीं करेंगे। जैसे बताओ भाई झूठे मुकदमा नहीं बनवाएंगे और जो वकील साहिबान है वो इस पर पाबंदी लगवाने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब की जिम्मेदारी है वो हसाद नहीं देंगे तो वोटर है हमारा जो झूठा मुकदमा द्वारा जुआ सट्टा वाले जो मुंशी बनेंगे उनके साथ नहीं देंगे ना वकील देवे और ना ही चौधरी साहब के। बताओ भाई इंशाल्लाह इन सब में और आइंदा ये 51 आदमी की कमेटी बनेगी जो कमेटी जहाँ तय करेंगे इंशाल्लाह वहाँ हाजिर रहेंगे। मौल साहब एक बात छूट गया मैं हमारे जहन में यू है कि हमने शादी में 5 लाख खर्च कर दिए 50 लाख खर्च कर दिए ये गलत फहमी है। विरासत जब तक आएंगे शादी में लड़की का हक अदा ना हो विरासत देंगे विरासत पर आओ कुरान और हदीस से विरासत पर आओ शादी किया आइंदा मीटिंग में और सब बातें जो मजीद बढ़ाई जाएंगी इंशाल्लाह।